पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने के अहम फैसले के बाद भी तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार। असद उमर कहते हैं, आज दुरुस्त फैसला दिया लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है। आज इस घिनौनी सियासत का एक और बाब बंद हो गया। इस किस्म की सियासत के खिलाफ जिहाद इमरान खान ने किया। ये 25 लोटे अब अरकान असम्बली नहीं रहे। फारूक हबीब ने भी मुनहरफीन को निशाने पर रखा। ने फैसला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम पहले बोल चुके हैं, हमें एतमाद नहीं है। एक दूसरा बाब जो है इस घिनौनी सियासत का, मेंबर खरीदे जाते हैं, सेनेट की सीटें खरीदी जाती हैं। ये जो 25 लोटे थे दे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, यानी वो अब एमपीए नहीं रहे। लोटे आज बुरी तरीके से क्रश हो चुके हैं। पंजाब में तो हुकूमत फारिग हो ही गई है, अब वफाक की हुकूमत भी फारिग है। फौरी इंतखाबात की तरफ जाएं। आप तो अब आपके घर के अंदर से आवाजें आने लग गई हैं इंतखाबात के हवाले से, तो डरो ना।